अजीत डोभाल का सबसे बड़ा ऑपरेशन, आधी रात में बना प्लान, 11 राज्यों में बड़ा छापा, देश के दुश्मन PFI आतंकियों को नहीं मिली छिपने की जगह, आतंकी बाथरूम में लगे मुंह छिपाने, अमित शाह और डोभाल की सबसे बड़ी कार्रवाई, आधी रात में 106 देशद्रोहियों को पकड़ा। डोभाल इन दिनों काफी व्यस्त थे, वो किसी को मिलने का वक्त तक नहीं दे पा रहे थे, उसकी वजह अब सामने आई। आधी रात को इंडिया में ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसकी कहानी आपको सुननी चाहिए। 21-22 सितंबर को आधी रात जब आप गहरी नींद में सो रहे थे तो अमित शाह और अजीत डोभाल के भरोसेमंद अधिकारी 11 राज्यों में एक साथ छापा मार रहे थे। ये छापेमारी इतनी बड़ी थी कि इसमें हथियारों से लैस सैकड़ों जवान भी शामिल थे। 22 सितंबर की सुबह 3 बजे ED और NIA की 11 टीमें 11 राज्यों में PFI के ठिकानों पर पहुंची। केरल में PFI के चेयरमैन सलाम उस वक्त नींद में थे, तो वहीं PFI के बड़े बड़े कर्ता धर्ता कुछ प्लानिंग कर रहे थे। यूपी से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी और राजस्थान से कुल 106 लोग गिरफ्तार किए गए। इन सभी पर आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप हैं। लेकिन सवाल उठता है, ये छापेमारी आधी रात को ही क्यों हुई? बीते महीने बिहार के पटना में जो आतंकी पकड़े गए उनका भी PFI कनेक्शन सामने आया था। टुपी के साथ साथ देश को कई बार हिलाने की साजिश रची गई। कहते हैं 1992 में बाबरी विध्वस्त के मामले के बाद दक्षिण भारत में कई ऐसे संगठन बने जिन्हें बाद में मिलाकर एक कर दिया गया और नाम रखा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि PFI। इसकी शुरुआत वामपंथियों के गढ़ कहे जाने वाले केरल के कालीकाट से हुई थी और दिल्ली के शाहीन बाग में इसने अपना मुख्यालय बना लिया। इसीलिए CAA और NRC का सबसे लंबा विरोध शाहीन बाग में ही हुआ था। लेकिन जब डोभाल ने मोर्चा संभाला तो विरोध की आड़ में अपना एजेंडा चलाने वाले भाग खड़े हुए। फरवरी 2020 में शाहीन बाग पहुंचते ही डोभाल ने कह दिया था कि PM मोदी के आदेश से आपकी सुरक्षा के लिए आया हूं। लेकिन कहते हैं ना, उसी वक्त डोभाल ने PFI की कुंडली निकाल कर मोदी के सामने पेश कर दी थी, अमित शाह तक पहुंचा दी थी। इसीलिए जुलाई 2022 में जब सभी धर्मों के नेताओं की बैठक हुई तो मोदी ने जानबूझकर डोभाल को उस मीटिंग में भेजा और डोभाल ने वहां मुस्लिम नेताओं से ही ये कहलवा दिया कि PFI जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बेहद जरूरत है। इसके बाद शाह ने PFI की पूरी कुंडली फिर से खंगलवाई, एक एक फाइल मंगवाई और उसके बाद जो पता चला वो सुनकर आप भी हैरत में रह जाएंगे। PFI खुद को पिछड़े अल्पसंख्यकों का हमदर्द बताता है, लेकिन वो देश विरोधी काम करने में लगा था। तुर्की, पाकिस्तान और सीरिया से ये फंडिंग लेते हैं और बदले में युवाओं को बरगला कर वहाँ भेजते हैं। इसलिए NIA की छापेमारी के बाद अब तुर्की, सऊदी और कुवैत जैसे देशों को मिर्ची लग सकती है। जांच में पता चला है कि ये 23 राज्यों में फैला है। भारत में इसके 200 से ज्यादा कैडर हैं। ट्रेनिंग कैंप चलाने से लेकर पाकिस्तान के मंसूबों तक को कामयाब करने का जिम्मा इन्हीं के पास था। इसके साथ साथ और कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। जब अमित शाह को पता चला तो उन्होंने सबसे पहले ED को काम पर लगाया कि पैसों की सारी लेन देन को चेक करो। जब सबूत पुख्ता मिल गए तो NIA को कहा कि छापेमारी करो, ऐसी प्लानिंग बनाओ कि किसी को कानो कान फनक तक ना लगे। जब NIA की टीम इनके गढ़ केरल पहुंची तो PFI का चेयरमैन सलाम सो रहा था। NIA की टीम ने उसे गहरी नींद से उठा लिया। ऐसे करीब 106 लोगों को कुछ इसी अंदाज में पकड़ा गया। अब तक CM योगी इसे सिर्फ बैन करने की वकालत करते थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमित शाह और डोभाल मिलकर ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि आगे देश में कोई ऐसा संगठन खड़ा होने की हिम्मत ना जुटा पाए। कहा जा रहा है कि PFI के लोगों को नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए मोदी ने PFI का खात्मा करने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।